चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देर रात जबरदस्त हंगामा, 60 लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, छात्रों ने किया प्रदर्शन। हॉस्टल की एक लड़की ने की है बाथरूम में वीडियो बनाया, शिमला में रहने वाले एक लड़के को भेजा वीडियो, लड़के ने वीडियो को वायरल किया। वीडियो वायरल होने पर छात्राओं के हंगामे में एक छात्रा बेहोश, सुसाइड करने के प्रयास की खबर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन का इनकार। पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार किया, पुलिस ने लड़कियों के सुसाइड करने की कोशिश को इनकार किया। गर्ल्स हॉस्टल में वीडियो बनाए जाने पर एसएसपी का बयान, आरोपी लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो बनाया था, जांच में सिर्फ एक वीडियो की बात आई सामने। पंजाब महिला आयोग का बयान, कहा कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, मामला गंभीर है, जांच की जा रही है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने छात्राओं से शांति बनाने की अपील की, कहा हमारी बहनों के मान सम्मान से जुड़ा मामला, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले पर केजरीवाल का बयान, कहा कि यह संगीन और शर्मनाक मामला है, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग देने का मामला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में एनआईए की रेड। निजामाबाद में एनआईए की 23 टीमें कर रही हैं छापेमारी, मामले में एनआईए ने दो आरोपी गिरफ्तार किया, मोहम्मद इमरान मोहम्मद मोबिन अरेस्ट। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में पीएफआई के नेता यूनुस अहमद के घर एनआईए की रेड, एनआईए रेड के विरोध में हुई नारेबाजी, एनआईए ने यूनुस को कस्टडी में ले लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी एनआईए का एक्शन, इलियास नाम का शख्स घर पर रेड, रेड में बाधा डालने की कोशिश की गई। इलियास के घर से एनआईए को मिले संदिग्ध दस्तावेज, एनआईए ने दस्तावेज को किया सीज। केरल के कोझिकोड में पीएफआई की रैली में आरएसएस पर हमला, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा। पीएफआई ने निकाला सेव द रिपब्लिक मार्च, मुस्लिमों के हक के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई की जरूरत बताया। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद का संघ पर मुसलमानों को टारगेट बनाने का भी आरोप, कहा कि 20 करोड़ मुस्लिमों को मारा नहीं जा सकता, इसलिए दबाने की कोशिश। अनीस अहमद ने संघ पर लगाया इतिहास को बदलने का आरोप, कहा आरएसएस के पास अपना कोई इतिहास नहीं। पीएफआई के मार्च में 1000 से ज्यादा ड्रेस्ड कार्यकर्ता हुए शामिल, केंद्र सरकार को हिंदू फासिस्ट बताते हुए नारे लगाए। सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम की बैठक जारी, बैठक के बाद 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दारुल उलूम की बैठक में मदरसों के सर्वे पर चर्चा, सर्वे को लेकर लाइन ऑफ एक्शन पर विचार। मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी की तकरीर, कहा मुस्लिम कौम को बेहतर से बेहतर मुफ्ती की जरूरत। दारुल उलूम की बैठक से पहले रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा, देश भर के मदरसों को प्रोटेक्ट करने की अपील की। रजा एकेडमी ने मदरसों के तोड़े जाने पर जताई आपत्ति, लिखा अगर कोई मदरसा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाए तो उस पर लीगल एक्शन हो। गोरखपुर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू, प्रशासनिक टीम ने किया सर्वे। टीम ने 3 मदरसों का किया सर्वे, अवैध मदरसों की सूची बनाकर सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन, केरल के एलएपी के हरिपथ से राहुल गांधी ने शुरुआत की यात्रा। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, कुल 150 दिनों की है भारत जोड़ो यात्रा, केरल में ही 18 दिनों तक चलेगी यात्रा। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना का सचिन पायलट पर आरोप, पायलट के समर्थक 2 साल से सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं, कहा। अशोक चांदना का आरोप, सचिन पायलट के विधायक कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए गुर्जरों को भड़का रहे, सचिन का साथ नहीं देने पर देशद्रोही कह रहे। शिंदे गुट को बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड पर दशहरा रैली करने की इजाजत, सूत्रों के अनुसार बीएमसी ने दी इजाजत। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए अभी तक किसी को नहीं इजाजत, शिवसेना के दोनों गुट ने रैली के लिए ठोका है दावा। सुप्रीम कोर्ट पहुंची आंध्र प्रदेश की सरकार, राजधानी अमरावती को लेकर याचिका दाखिल, राजधानी के मुद्दे पर विधानसभा को संवैधानिक अधिकार देने की मांग। आंध्र प्रदेश सरकार की 3 राजधानियां बनाने की योजना, अमरावती को विधायी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाने की है योजना। यूपी के 56 जिलों को मिली है मॉडर्न प्रिजन वैन, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, कहा कि अब कैदी आधुनिक वैन से नहीं भाग पाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का हुआ सम्मान, कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में किया सम्मान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्ला खान की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 4 दिन के लिए एंटी करप्शन ब्रांच की कस्टडी में भेजा। अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के आरोप में किए गए गिरफ्तार, एसीबी ने शुक्रवार को अमानतुल्ला के 4 ठिकानों पर रेड की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीबी की दलील, कहा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते अमानतुल्ला खान ने 4 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए। एसीबी की टीम की अमानतुल्ला की पत्नी मरियम के फोन की गैलरी से मिली पैसों की जानकारी, गैलरी में नोटों की गड्डी और एक पिस्टल की तस्वीर मिली। एसीबी का दावा, जिस बेड कवर पर ली गई नोट और पिस्टल की फोटो व बेड कवर रिकवर किया गया। एसीबी के रेड के दौरान अमानतुल्ला खान के समर्थकों की अधिकारियों के साथ हाथापाई का वीडियो भी सामने आया, अधिकारियों से बदसलूकी करते नजर आए। अमानतुल्ला की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा अभी और कई विधायक होंगे गिरफ्तार, हमारे गुजरात में होने से इन्हें ज्यादा तकलीफ। 2024 के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नया दांव, यूपी में जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिए संकेत, कहा फूलपुर के लोगों की भावना है, नीतीश कुमार वहां से लड़े चुनाव। ललन सिंह का दावा, नीतीश और अखिलेश मिलकर प्रचार करें तो बीजेपी 15 से 20 सीट पर सिमट जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का पलटवार, कहा नीतीश अगली बार विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत सकते, फूलपुर तो दूर की बात। आरा के मानसिक रोग आरोग्य शाला के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी के लिए लगे 2 अलग अलग रिबन बीजेपी ने ली चुटकी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा नीतीश कुमार की यह हैसियत रह गई है कि जिस भवन का उद्घाटन करने जाते हैं वहां उद्घाटन का दो रिबन लगा देते हैं। संजय जायसवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऊपर वाला रिबन तेजस्वी यादव काटते हैं और नीचे वाला रिबन नीतीश कुमार के हिस्से में आता है। संजय जायसवाल ने कहा इतिहास की यह पहली घटना होगी जब किसी भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री करें तो दूसरा रिबन काटकर उद्घाटन विभाग का मंत्री करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 3 दिवसीय मिस्र दौरा, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने पर होगा फोकस। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक सहमति पत्र होगा साइन। राजनाथ सिंह ने मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद अहमद जाकी के साथ चर्चा पर जताई आशा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज से 2 दिन का सऊदी अरब का दौरा, व्यापार निवेश पर होगी बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 28 सितंबर तक अमेरिकी दौरा, G4 की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। सिंगापुर के डिप्टी पीएम लॉरेंस से मिले एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल के मुद्दों पर हुई बातचीत। ओडिशा के 4 जिलों में टीबी मरीजों के इलाज का खर्च उठाएंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा पीएम के टीबी मुक्त भारत सपने को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति भारत अभियान से जुड़े इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा मथुरा के 1000 टीबी प्रभावित मरीजों को पौष्टिक आहार पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रजत शर्मा को टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने पर जताया आभार, कहा मिलकर भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाएंगे। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास ने काफिले के आगे लगाई अपनी गाड़ी। टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास की दलील, काफिले के आगे गलती से रुकी कार, मेरे कुछ कहने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने की कार में तोड़फोड़। मुंबई के कल्याण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक की, केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर लागू करने को कहा। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का मामला, साकेत कोर्ट ने आदेश को टाला। IRCTC घोटाला के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ नोटिस जारी, CBI ने जमानत रद्द करने की मांग की। राउस एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने जारी किया नोटिस, तेजस्वी यादव से मांगा जवाब। सोनाली फुगाट के हत्याकांड की जांच के लिए लियोनी रिजॉर्ट पहुंची सीबीआई की टीम, होटल स्टाफ का भी बयान लिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5664 केस मिले, 4555 लोग हुए ठीक। देश में अब कोरोना के 47922 एक्टिव केस हैं और डेली पॉजिटिविटी रेट 1.96%। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS अफसरों का तबादला, 10 जिलों के DM भी बदले। हरदोई, बाराबंकी, मिर्जापुर, गाजीपुर और आगरा में नए DM, चंदौली, मथुरा, पीलीभीत, भदोई और संत कबीर नगर में भी नए जिलाधिकारियों की तैनाती। लखीमपुर खीरी रेप मर्डर केस में SIT गठित, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। झारखंड के धनबाद में दुमका कांड होते होते बचा, घर में सो रही 2 नाबालिग बहनों को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश हुई। हाथ में पेट्रोल लेकर कमरे में घुसा सरफिरा लड़का, दोनों बहनों के साथ की मारपीट, गर्दन दबाकर जान से मारने की कोशिश। लड़की के शोर मचाने पर घर के लोग जगे, बड़ी घटना होने से बची। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, आरोपी युवक की अब तक नहीं हो पाई गिरफ्तारी। यूपी के बदायूं में एक नाबालिग लड़की का शव रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में मिला, घर वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। लड़की के परिवार ने पुलिस चौकी स्टाफ पर मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाया, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में सौतेले पिता और 2 अन्य लोगों ने की रेप की कोशिश, लड़की ने थाने में दर्ज कराई FIR। पुलिस ने सौतेले पिता और एक शख्स को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया, पुलिस ने घटना की वाली जगह पर पड़ताल की, पुलिस का दावा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। बिहार के कटिहार के प्राणपुर थाने में हिरासत में युवक की मौत, युवक की मौत से भड़की भीड़ ने किया थाने पर हमला। घटना में SHO समेत 10 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में प्रमोद नाम के युवक को किया था गिरफ्तार, ग्रामीणों का आरोप, पुलिस की पिटाई से प्रमोद की थाने में हुई मौत। गाजियाबाद में रोड पर केक काटने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, गाड़ी के बोनट पर केक काटा था। लड़कों ने सड़क पर की थी आतिशबाजी, पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की, लोगों को ऐसा न करने की चेतावनी। कानपुर में KDA रेसिडेंसी सोसाइटी के लोगों की सीएम योगी से गुहार, अपार्टमेंट ध्वस्त करने की अपील की, अपार्टमेंट में आई दरार। दरार आने से कभी भी गिर सकती है इमारत, लोगों का आरोप, निर्माण में घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ, अधिकारियों ने अभी तक नहीं की कार्रवाई। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक बस हादसा, नदी में गिरी बस, 7 लोगों की मौत। गिरिडीह से रांची जा रही थी बस, सीवन नदी पर बेकाबू होकर पुल से 30 फीट नीचे गिरी। टाटी झुरिया के पास हुआ हादसा, 12 से 13 लोग हादसे में घायल हुए। हजारीबाग हादसे पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख, मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। रायपुर के सालासार मंदिर में हुआ फैशन शो, जानकारी मिलते ही बजरंग दल ने पहुंचकर बंद करवाया शो। बजरंग दल ने नाराजगी जताते हुए कहा मंदिर परिसर में ऐसे शो की इजाजत कैसे दे दी गई। आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा कि अगर FIR नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस कस्टडी से मुजरिम फरार, कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। जिला जेल से पेशी के बाद वापस ला रहे थे पुलिसकर्मी, मुजरिम ने 2 पुलिस वालों से हाथ छुड़ाकर भागा। पुलिस को पास के खेत में छिपे होने की आशंका, पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी। गाजियाबाद के एक पार्लर में पुलिस ने मारा छापा, 3 लड़कियां गिरफ्तार, 12 लाख कैश भी जब्त। फरीदकोट की जर्मन कॉलोनी में गुरुद्वारा साहिब की प्रधानगी को लेकर हुई लड़ाई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। SGPC मेंबर ने मिले
मौके पर जाकर जायजा लिया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तीन लोगों को हिरासत में लिया। मोगा के कई इलाकों में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 350 पुलिसकर्मियों ने चलाया सर्च अभियान। एक घर से 5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 कार और 8 मोटरसाइकिल भी जब्त। एसएसपी ने नशे के तस्करों को दी बड़ी चेतावनी, कहा नशा छोड़ो या पंजाब छोड़ो। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत के बाद घरवालों का गुस्सा फूटा। यूपी के इटावा में अस्पताल के बाहर हंगामा, 10 साल के बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, साइकिल से गिरकर घायल हुआ था लड़का। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की जान गई, मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एएमयू के वाइस चांसलर का पुतला फूंका, टीचर एसोसिएशन का चुनाव टालने का विरोध। नवी मुंबई में बाइक सवार बदमाशों ने महिला का मंगलसूत्र लेकर भागने की कोशिश की, आसपास के लोगों ने पीछा किया, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ओडिशा के भद्रक में पटरी से उतरी भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैल को टक्कर लगने के बाद हुआ हादसा। इंजन के पास वाली बोगी के पहिए पटरी से उतरे, हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। ट्रेन की पटरी से उतरने ते ही यात्रियों में मची अफरा तफरी, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी और क्विक रिस्पांस टीम। हादसे के बाद रेल सेवा हुई बाधित, यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना, कई यात्रियों ने सड़क के जरिए आगे की यात्रा की। देहरादून में दिल्ली यमुनोत्री रोड पर चलती बस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गुजरात से पर्यटकों को लेकर आई थी बस, आग ने पूरी बस को चपेट में लिया, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। असम के विश्वनाथ में 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, टूरिस्ट वीजा होने के बावजूद धार्मिक गतिविधियों में थे लिप्त। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों और लद्दाख के 2 जिलों में सेना ने भर्ती अभियान शुरू किया, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु के रामनाथनपुरम में समुद्री बीच पर सफाई अभियान, जिला प्रशासन, नगर निगम और नेवी के लोग हुए शामिल। इंदौर में एक शख्स ने टाइपराइटर्स का म्यूजियम बनाया, संग्रहालय में 400 से ज्यादा टाइपराइटर्स। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सरकार की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम, केसर के इंडोर खेती के लिए लोगों को किया गया जागरूक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेक फेस्टिवल, 2 दिवसीय फेस्टिवल में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग, बच्चे झील में बोटिंग का ले रहे हैं मजा। सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी के महावत ने की हाथियों की पूजा, विश्वकर्मा पूजा के दिन हाथियों को नहलाकर सजाया जाता है, फिर की जाती है पूजा। अयोध्या में भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा। उत्तराखंड के जनकपुर में लगातार बारिश से सड़क पर गिरा मलबा, जनकपुर पिथौरागढ़ सड़क पर ट्रैफिक बंद। ट्रैफिक बंद होने से फंसे कई पर्यटक, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी, जेसीबी की मदद से रोड क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। असम को बाढ़ राहत पैकेज के तौर पर 250 करोड़ के फंड की मंजूरी, सीएम हेमंत ने पीएम का जताया आभार। गौतम अडानी ने अपने बेटे करण को सौंपी सीमेंट बिजनेस की कमान, अडानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट का किया है अधिग्रहण, अभी अडानी पोर्ट्स के सीईओ हैं करण। अडानी ग्रुप बना देश की सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप, टाटा ग्रुप को छोड़ा पीछे, अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 22.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। टोयोटा ग्लेंजा जल्दी ही सीएनजी वर्जन में लॉन्च की जाएगी, दिवाली तक मार्केट में कार उतारेगी कंपनी। महाराष्ट्र एफडीए ने जॉनसन बेबी पाउडर का निर्माण लाइसेंस किया रद्द, सैंपल जांच में पाउडर की क्वालिटी निकली खराब। टाटा हैरियर का नया वेरियंट टाटा हैरियर XMS लॉन्च, दिल्ली में शुरुआती कीमत 18.5 लाख रुपए। टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन 28 सितंबर को होगा लॉन्च, देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी टाटा टियागो ईवी। जापानी स्टार्टअप कंपनी एयरविंग्स ने बनाई उड़ने वाली बाइक, अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटो शो में दिखा एक्स टूरिज्मो, इस साल कंपनी उतारेगी 200 लिमिटेड बाइक्स। चाइनीज लोन ऐप केस में ईडी का एक्शन, मर्चेंट अकाउंट में रखे 46.67 करोड़ रुपए की फ्रीज, पेटीएम रेजर पे कैश फ्री और इस बज में के मर्चेंट अकाउंट में थे पैसे। सुपर बाइक 2023 कावासाकी निंजा ZX10R भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत है 15,99,000 रुपए, लाइम ग्रीन और पर्ल रोबोटिक व्हाइट कलर में उपलब्ध। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, मध्य डोनेट्स पर यूक्रेनी शेलिंग में 4 लोगों की मौत। रूसी मीडिया ने जारी किया जलती कार और तबाही हुई इमारत का वीडियो, लोगों के मुताबिक 10 धमाके हुए। यूक्रेन की सेना ने दी रूसी महिला सैनिक को श्रद्धांजलि, यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ी थी ओल्गा। महिला सैनिक ओल्गा के पार्थिव शरीर पर रखा गया यूक्रेन का झंडा, सैनिकों ने दिया गन सल्यूट। यूक्रेन में चेचेन वॉलंटियर्स कर रहे हैं यूक्रेनी सेना की मदद, कीव के बाहरी इलाकों में नई भर्ती हुए सैनिकों को दे रहे हैं युद्ध की ट्रेनिंग। रूसी सेना के खिलाफ खारकीव में यूक्रेनी सेना के हमले में चेचेन लड़ाकों ने भी दी शिरकत, अब नए सैनिकों को तैयार करने में जुटे हैं। यूक्रेन में सैनिकों के शव मिलने का सिलसिला जारी, खारकीव में रूसी और यूक्रेनी सोल्जर्स के शव किए गए बरामद। लंदन पहुंची भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। कल होगा महारानी का अंतिम संस्कार, वेस्टमिंस्टर एब्बे में दी जाएगी अंतिम विदाई। महारानी एलिजाबेथ II के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे उनके 8 ग्रैंडचिल्ड्रन, वेस्टमिंस्टर हॉल में श्रद्धांजलि दी। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए लंदन पहुंच रहे हैं दुनिया भर से लोग, लंदन के कारोबारियों का व्यापार बढ़ा। किंग चार्ल्स III और राजकुमार विलियम्स ने लैम्पर्थ ब्रिज पर जाकर लोगों से मुलाकात की, महारानी के अंतिम दर्शन में आए लोगों को आभार जताया। लंदन के विंडसर में ब्रिटिश सेना के सैनिकों ने किया महारानी एलिजाबेथ के फ्यूनरल के दौरान परेड का रिहर्सल, आर्मी एयरफोर्स और नेवी के जवान हुए शामिल। चीन का दोहरा चेहरा फिर सामने आया, लश्कर के आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगा लगाया।
साजिद मीर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक। 2008 मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी है मीर। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी अर्मेनिया में यूएस कांग्रेस डेलीगेशन की करेंगे अगुवाई। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग में 200 से ज्यादा सैनिकों की जान गई है। अमेरिका में डेनवर के पास टकराए दो विमान, 3 लोगों की मौत, अलग अलग जगहों पर मिला दोनों विमानों का मलबा। चीन के चोंगकिंग शहर में मिला मंकी पॉक्स का मरीज, विदेश से आए शख्स को किया गया क्वारंटीन। पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेंगू और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा, WHO ने दी चेतावनी। यूनिसेफ के मुताबिक बाढ़ की वजह से करीब 1.60 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, 34 लाख बच्चों की जान बचाने के लिए तुरंत मदद की जरूरत। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से चारे की कमी, पालतू जानवरों को बेचने को मजबूर हुए किसान। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक 9,30,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हुई है, जगह जगह खेतों और सड़कों के किनारे नजर आ रहे हैं जानवरों के शव। सेंट्रल इटली में अचानक आई बाढ़ के बाद दिखा तबाही का मंजर, अब तक 10 लोगों की मौत। हमारे इलाके में बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड से सड़कों और मकानों को नुकसान पहुंचा है, ट्रेन की पटरियां भी उखड़ गई। पश्चिम नेपाल के बारिश से भारी तबाही, अछाम जिले में कई जगहों पर लैंडस्लाइड में 17 लोगों की मौत। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग से तबाही, कई मकान और गाड़ियां खाक। भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरू की प्रैक्टिस, आज मोहाली पहुंचेगी भारतीय टीम। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से हुए बाहर, COVID-19 पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने की कोहली की तारीफ, कहा विराट जैसे खिलाड़ी का फॉर्म में आना भारत के लिए अच्छी खबर। T20 वर्ल्ड कप के लिए UAE ने किया टीम का ऐलान, CP रिजवान को कप्तानी सौंपी गई। T20 वर्ल्ड कप से जडेजा का बाहर होना भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान, महिला जयवर्धन का बयान। मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने शेन बॉन्ड को मुख्य कोच की जिम्मेदारी दी। गौतम गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 के लिए पंत को बताया बेहतर विकल्प, कहा टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं करते दिनेश कार्तिक। गंभीर ने बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 के लिए लिया सूर्य कुमार यादव का नाम, बोले कि 10 ओवर विकेट ना गिरे तो सूर्य कुमार आए नंबर 3 पर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन को बताया बेहतर विकल्प, संजू को वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली है जगह। T20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली ने कराया स्टाइलिश हेयर कट, हेयर स्टाइलिस्ट राशिद सलमानी ने दिया कोहली को नया लुक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेंबूर के स्थानीय बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। डूरेंट कप का फाइनल मुंबई सिटी और बेंगलुरु FC के बीच होगा, आज शाम को 6 बजे कोलकाता में खेला जाएगा मुकाबला। बजरंग पूनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हारे, अमेरिका के रेसलर ने दी शिकस्त। सागर जागलान 74 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य के लिए भिड़ेंगे। डेविस कप में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराजे हारे, कनाडा के खिलाड़ी ने दी शिकस्त। वडोदरा की जागृति राठौर ने साइकिलिंग में 20 PRM पार की, 64,000 किलोमीटर साइकिलिंग चलाने वाली गुजरात की पहली महिला बनी। दिल्ली के द्वारका में LG विनय कुमार सक्सेना ने रखी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर की आधारशिला, 350 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेडियम। राजस्थान में एथलीटों को सरकारी नौकरियों की मिलेगा रिजर्वेशन, मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ का पुरस्कार भी। प्रभास, दीपिका और अमिताभ बच्चन की प्रोजेक्ट के को सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनाने की तैयारी शुरू, हॉलीवुड से बुलाए जाएंगे एक्शन डायरेक्टर। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के बर्थडे को खास तौर पर मनाया, बेटी मालती के साथ प्राइवेट जेट में सेलिब्रेट किया, निक जोनस ने वीडियो को अपलोड किया। सीतारामम फिल्म हिंदी में भी हुई हिट, एक्टर दुलकर सलमान ने दर्शकों का कहा थैंक्स। ऋतिक रोशन और सैफ की फिल्म विक्रम वेदा का गाना अल्कोहोलिया रिलीज हुआ, मस्त मौला अंदाज में झूमते दिखे ऋतिक। विक्रम वेदा के प्रमोशन के दौरान ऋतिक रोशन ने माना 25वीं फिल्म में भी एक्शन और डांस करना किसी चमत्कार से कम नहीं। विक्रम वेदा को लेकर ऋतिक रोशन ने किया खुलासा, डॉक्टर्स ने डांस और एक्शन ना करने की दी थी सलाह। छत्तीसगढ़ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बांस की नाव से नाला पार कर दूर दराज के गांव में बच्चों को सिरप पिलाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपने जन्मदिन पर विराट कोहली से मिलने के बाद अंशुल चौहान नहीं रोक पाई अपनी खुशी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यात्रियों को पार्सल पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय चलती ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाईटेंशन लाइन के टावर पर चोरी करने चढ़ा चोर फंसा, खुद पुलिस को फोन करके खुद को बचाने के लिए गुहार लगाई। जापान के क्योटो में ट्रेन के अंदर से दिखा मेपल टनल का लुभावना नजारा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।